प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 8 की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के अंतर्गत युगों का दौर पढ़ेंगे। युगों के दौर में भारत के प्राचीन रंगमंच की क्या स्थिति थी, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रंगमंच का मतलब है कि किसी भी नाटक को जिस स्टेज पर अभिनीत किया जाता है, उस स्टेज को ही हम रंगमंच कहते हैं। और नाटक के लिए रंगमंच बहुत ही आवश्यक है, जो उस नाटक के अनुरूप बनाया गया हो, जिससे वह प्रभावी ढंग से जो है अभिनीत किया जा सके और दर्शकों को आनंद मिल सके। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भारतीय रंगमंच की क्या स्थिति थी। तो भारतीय रंगमंच की अगर हम बात करें, तो यह अपने मूल रूप में संबद्ध विचारों और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मतलब है कि अगर हम भारतीय रंगमंच के मूल की बात करें, मूल रूप की, तो इसमें कोई कहीं भी रुकावट नहीं थी। वह बिल्कुल अपने विचार और विकास में स्वतंत्र रूप से जो है विकसित होता गया। जिनमें अगर हम बात करते हैं इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ, तो ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों से इसका उद्गम मिलता है। और ये ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं, संवाद हैं, वास्तव में इसमें नाटकीयता है, यानी ये इसमें एक नाटक का रूप है। अगर हम इसको विस्तृत रूप में देखना चाहें, तो रामायण और महाभारत काल में नाटकों का जो उल्लेख मिलता है, वो रामायण और महाभारत काल में, जैसे अगर हम बात करें कृष्ण लीला की, राम लीला की, या उस समय के जो गीत और संगीत नृत्य रहे, उस समय उन रूपों में देखा जाए, तो हमारे जो है भारतीय रंगमंच धीरे धीरे जो है विकसित होना शुरू हो गया था, अपना आकार लेने लगा था। इस तरह से अगर हम बात करें, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कुछ नाट रूपों का उल्लेख किया है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय रामायण और महाभारत काल में हमारा रंगमंच जो है आकार लेने लगा था, विकसित होने लगा था। अब हम बात करते हैं कि रंगमंच की कला, रचित एक नाटक आता है नाट्यशास्त्र। ये नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने लिखा और ये 3वीं शताब्दी में लिखा गया। और ऐसे ग्रंथों की रचना, यानी नाट्यशास्त्र की रचना तभी हो सकती है जब नाटक का रंगमंच पूरी तरह से अपने समय में विकसित हो चुका हो और उस रंगमंच पर नाटक जो है अभिनीत किया जा रहा हो और लोगों में लोकप्रिय हो गया हो, यानी सार्वजनिक रूप से उसकी प्रस्तुति जब दी जाने लगी हो, तभी ऐसा संभव है। इसका मतलब है कि भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा, उस समय हमारे रंगमंच की जो है प्रस्तुति विकसित हो चुकी थी, लोगों के अंदर जो है वो लोकप्रिय हो चुकी थी। आइए आगे देखते हैं कि जो है ये 3वीं शताब्दी में ये हमारे संस्कृत नाटक जो लिखे गए, ये पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुके थे, यानी रंगमंच पर ये जो है अभिनय किए जाने लगे थे। ऐसे ढेर सारे रचनाकारों और नाटकों का हवाला भी मिलता है, और ऐसे नाटककारों में एक थे भास। और भास की बात करें, तो भास जो है भास के प्रमुख नाटक थे जो है स्वप्न वासवदत्ता, चर्चित नाटक है इनका, और शूद्रक चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक इत्यादि। इन 13 नाटकों में अगर हम इनकी प्रमाणिकता की बात करें, तो सभी प्रामाणिक रूप से नहीं माने जाते हैं, ना ही विद्वान लोग इस पर जो है सहमत हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि भास ने जो तो जैसा हम जानते हैं कि इन्हीं नाटककारों में एक नाटककार भी भास ने जो है 13 नाटक इनके मिलते हैं, लेकिन इनके 13 नाटकों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। लेकिन इनमें कुछ जो चर्चित नाटक है, स्वप्न वासवदत्ता, ये जो है लोकप्रिय हुआ है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, इधर करना है, संस्कृत के भास के बाद एक और जो है नाटककार हुए अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है
बुद्ध चरित लिखा जो बुद्ध की जीवनी से संबंधित है, और ये अश्वघोष जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बाद में यह बुद्ध चरित नाटक जो है जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित था, ये भारत चीन तिब्बत में बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस तरह से हम आगे बात करते हैं कि यूरोप में जो है हमारे भारतीय रंगमंच का विकास का देखने को मिला। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो 1789 में जो है कालिदास के शकुंतला का अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने किया, और जैसे ही ये नाटक अनुवादित हुआ ये जर्मन फ्रेंच डेनिश इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। इसका कारण ये था कि गेटे पर जब इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा तो उसने शकुंतला जैसे नाटक की यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक की बहुत प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के कारण ये जो है तमाम भाषाओं में जो है इसका अनुवाद हुआ। अब हम बात करते हैं ये कालिदास की, तो कालिदास जैसे महान संस्कृत के नाटककार भी, और इनको महाकवि कहा गया, इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो शकुंतला तो है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, मेघदूत जैसी रचना भी इन्होंने लिखी। लेकिन इनका जो रचना काल माना जाता है वास्तव में कालिदास जो है 34 शताब्दी के माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है ये उज्जैनी में थे, और उस समय चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में से एक माने जाते थे, और इस कारण से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने जो कालिदास ने जितने भी नाटक लिखे हैं वे सभी 34 शताब्दी के हैं। इनके रचनाओं में अगर हम बात करें तो जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग मिलता है। कालिदास की एक जो प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, मेघदूत में जो है एक प्रेमी जिसे बंदी बना लिया जाता है, और उसे उसकी प्रेमिका से अलग कर दिया जाता है जिसके वियोग में वो तड़पता है, और बाद में जब वर्षा ऋतु आती है वो मेघों को दूत मान करके जो है उनसे संदेश भेजता है, अपने प्रेम का संदेश भेजता है। तो इस तरह से कालिदास की रचना मेघदूत जो है लोकप्रिय हुई। कालिदास से अगर हम पहले बात करें, एक और रचना लिखी गई जो है संस्कृत में वो थी मृक्ष कटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। इसको जो है शूद्रक ने लिखा, लेकिन जो है यह एक बनावटी नाटक के रूप में सामने आया, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर सामने हमारे आई कि जो है उस समय के समाज की जो मानसिकता काल में एक और नाटक लिखा गया जिसका नाम था जो है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा, और इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी प्रेम प्रसंग पर नहीं लिखा गया, किसी पौराणिक कथा पर नहीं लिखा गया, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक नाटक है। और यह राजनीतिक नाटक होने के कारण यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बहुत ही प्रासंगिक है। और इस तरह से अगर हम आगे और बढ़ते हैं इतिहास में तो राजा हर्ष हुआ, हर्षवर्धन का नाम हम जानते हैं। तो हर्षवर्धन ने जो है कई नाटकों की रचना की जिसे हम 7वीं शताब्दी का जो है मानते हैं, और इसने जो है नया साम्राज्य कायम किया था, और इनके 3 नाटक मुख्य रूप से मिलते हैं। और इस तरह से 3 नाटकों में अगर हम बात करें हर्ष के, तो नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका है, जिनमें रत्नावली इनका जो है और नागनाथ विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद जो है राजा हर्ष के बाद जो है एक और नाटककार हमारे संस्कृत साहित्य में जो है पैदा हुए जिनका नाम था भवभूति। और भवभूत जो है संस्कृत साहित्य के चमकता सितारा थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दलिना पदलादित्यम माघे संत त्रिलोकिना, इस तरह से भवभूति के अगर हम नाटकों की बात करें तो ये कालिदास के बाद ही आते हैं। और भवभूत ने जो नाटक लिखा वो था उत्तर रामचरितम, ये बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय नाटक रहा। और इस तरह से कालिदास और भवभूति या कह सकते हैं कि हर्ष या जो है कह सकते हैं कि अश्वघोष की बात करते हैं जब हम, तो कालिदास का स्थान जो है सबसे उच्च कोट का आता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा जो है सदियों तक बहती रही, और 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि नाम था जो है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा, और इस
नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी प्रेम प्रसंग पर नहीं लिखा गया, किसी पौराणिक कथा पर नहीं लिखा गया, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक नाटक है। और यह राजनीतिक नाटक होने के कारण यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बड़ी ही बहुत ही प्रासंगिक है। और इस तरह से अगर हम आगे और बढ़ते हैं इतिहास में तो राजा हर्ष हुआ, हर्षवर्धन का नाम हम जानते हैं। तो हर्षवर्धन ने जो है कई नाटकों की रचना की, जिसे हम सातवीं शताब्दी का जो है मानते हैं, और इसने जो है नया साम्राज्य कायम किया था। और इनके तीन नाटक मुख्य रूप से मिलते हैं। और इस तरह से तीन नाटकों में अगर हम बात करें हर्ष के, तो नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका है, जिनमें रत्नावली इनका जो है और नागनाथ विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद जो है राजा हर्ष के बाद जो है एक और नाटककार हमारे संस्कृत साहित्य में जो है पैदा हुए, जिनका नाम था भवभूति। और भवभूति जो है संस्कृत साहित्य के चमकता सितारा थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दलिनम पदलादित्यम मागे संत त्रिलोकिदा, इस तरह से भवभूति के अगर हम नाटकों की बात करें तो ये कालिदास के बाद ही आते हैं। और भवभूति ने जो नाटक लिखा वो था उत्तर रामचरितम, ये बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय नाटक रहा। और इस तरह से कालिदास और भवभूति, या कह सकते हैं कि हर्ष, या जो है कह सकते हैं कि अश्वघोष की बात करते हैं जब हम, तो कालिदास का स्थान जो है सबसे उच्च कोटि का आता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा जो है सदियों तक बहती गई और 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि स्पष्ट रूप से उसमें उसका ह्रास दिखाई देने लगा। उसका कारण ये बहुत बड़ा ये रहा कि जो हमारे संस्कृत नाटक लिखे गए उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया वह वास्तव में संस्कृत था, संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत को हम देववाणी मानते हैं, समस्त भाषाओं का जन्म ही हमारे जो है संस्कृत से हुआ है। लेकिन संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह व्याकरण के नियमों में बंध कर चलती है, और जब व्याकरण के नियमों में बंध कर चलेगी तो निश्चित है थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। यह लचीली भाषा नहीं है, इसलिए इसने अपने जो है प्रभाव को थोड़ा सा जो है आगे जो है इसका प्रभाव कम होता गया। उसका कारण यह है कि इनके नाटकों में जब हम देखते हैं, जो भी हम इनके कालिदास के नाटक हैं, उनके जो पात्र हैं वो जो है पढ़े लिखे जो शिक्षित पात्र हैं वो तो शुद्ध संस्कृत भाषा में जो है बोलते हैं, लेकिन जो महिलाएँ जो हैं, जिनमें रत्नावली इनका जो है और नागनाथ विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद जो है राजा हर्ष के बाद जो है एक और नाटककार हमारे संस्कृत साहित्य में जो है पैदा हुए, जिनका नाम था भवभूति। और भवभूति जो है संस्कृत साहित्य के चमकता सितारा थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दलिनम पदलादित्यम मागे संत त्रिलोकिदा, इस तरह से भवभूति के अगर हम नाटकों की बात करें तो ये कालिदास के बाद ही आते हैं। और भवभूति ने जो नाटक लिखा वो था उत्तर रामचरितम, ये बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय नाटक रहा। और इस तरह से कालिदास और भवभूति, या कह सकते हैं कि हर्ष, या जो है कह सकते हैं कि अश्वघोष की बात करते हैं जब हम, तो कालिदास का स्थान जो है सबसे उच्च कोटि का आता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा जो है सदियों तक बहती गई और 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि स्पष्ट रूप से उसमें उसका ह्रास दिखाई देने लगा। उसका कारण ये बहुत बड़ा ये रहा कि जो हमारे संस्कृत नाटक लिखे गए उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया वह वास्तव में संस्कृत था, संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत को हम देववाणी मानते हैं, समस्त भाषाओं का जन्म ही हमारे जो है संस्कृत से हुआ है। लेकिन संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह व्याकरण के नियमों में बंध कर चलती है, और जब व्याकरण के नियमों में बंध कर चलेगी तो निश्चित है थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। यह लचीली भाषा नहीं है, इसलिए इसने अपने जो है प्रभाव को थोड़ा सा जो है आगे जो है इसका प्रभाव कम होता गया। उसका कारण यह है कि इनके नाटकों में जब हम देखते हैं, जो भी हम इनके कालिदास के नाटक हैं, उनके जो पात्र हैं वो जो है पढ़े लिखे जो शिक्षित पात्र हैं वो तो शुद्ध संस्कृत भाषा में जो है बोलते हैं, लेकिन जो महिलाएँ जो हैं, स्त्रियाँ जो हैं, जो अनपढ़ हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, वो संस्कृत की बोलचाल की भाषा उस समय जो प्राकृत प्रचलित थी उस प्राकृत भाषा में जो है बात करती हैं।
इस तरह से अगर हम बात करें तो ये संस्कृत नाटक साहित्य भाषा और लोकप्रिय कला के बीच एक समझौता हुआ और फिर प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारियों या उस प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजातवादी कला को जो है दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आगे हम बात करते हैं इन ऊँचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमारा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। लोगों के द्वारा जिस स्थान पर सामान्य रूप से कोई रचना अभिनीत की जाती है उसका भी एक मंच है। इस आधार पर भारतीय पुराकथाएँ महाकाव्यों से दी गई कथाएँ होती हैं, दर्शकों को इन विषयों की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा कि कालिदास जैसे महान कवि हुए और कालिदास के लिए ये कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भावेर्थ गौरवम दलिनः पदलादित्यम माघे संवित्रयो गुणा। कालिदास जैसी उपमा प्रस्तुत करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इस तरह से संस्कृत नाटककारों में महान कवि कालिदास जो है सबसे जो है प्रतिष्ठित और सबसे पहले जो नंबर पर जो है महाकवि कालिदास आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 400 ईस्वी के रघुवंश चतुर्दशी के शासनकाल में एक और नाटक लिखा गया जिसका नाम था जो है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा और इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी प्रेम प्रसंग पर नहीं लिखा गया, किसी पौराणिक कथा पर नहीं लिखा गया, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक नाटक है। और यह राजनीतिक नाटक होने के कारण यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बहुत ही प्रासंगिक है। और इस तरह से अगर हम आगे और बढ़ते हैं इतिहास में तो राजा हर्ष हुआ, हर्षवर्धन का नाम हम जानते हैं। तो हर्षवर्धन ने जो है कई नाटकों की रचना की जिसे हम 7वीं शताब्दी का जो है मानते हैं और इसने जो है नया साम्राज्य कायम किया था। और इनके 3 नाटक मुख्य रूप से मिलते हैं। और इस तरह से 3 नाटकों में अगर हम बात करें हर्ष के तो नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका है, जिनमें रत्नावली इनका जो है और नागनाथ विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद जो है राजा हर्ष के बाद जो है एक और नाटककार हमारे संस्कृत साहित्य में जो है पैदा हुए जिनका नाम था भवभूति। और भवभूति जो है संस्कृत साहित्य के चमकता सितारा थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दलिनम पदलादित्यम माघे संवित्रयो गुणा। इस तरह से भवभूति के अगर हम नाटकों की बात करें तो ये कालिदास के बाद ही आते हैं। और भावभूत ने जो नाटक लिखा वो था उत्तर रामचरितम। ये बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय नाटक रहा। और इस तरह से कालिदास और भावभूति या कह सकते हैं कि हर्ष या जो है कह सकते हैं कि अश्वघोष की बात करते हैं जब हम, तो कालिदास का स्थान जो है